हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि रेलवे का रिजर्वेशन करवाते वक्त भी आप लोगों को रेलवे का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और टिकट कैंसिल करवाते वक्त भी आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना पड़ता है टिकट कैंसिल करवाने के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे काउंटर पर टिकट बुकिंग करवाने जाए या टिकट कैंसिल करवाने जाए, आपको लाइन लगाना ही पड़ेगा। रेलवे काउंटर बहुत ज़्यादा ही भीड़ होता है, मतलब टिकट कैंसिल करवाते वक्त और कैंसिल मतलब बुकिंग करवाते वक्त। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को टिकट कैंसिलेशन फॉर्म, मतलब रेलवे का जो टिकट कैंसिलेशन फॉर्म होता है वो किस टाइप से भरा जाता है, परफेक्ट एकदम स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि रेलवे का रिजर्वेशन फॉर्म जो होता है, अगर उसमें गलती से भी कुछ गलत भर देते हैं तो वो जो रेलवे का जो क्लर्क होता है, जो टिकट बुकिंग करता है और कैंसिल करता है, तो वो हमारा फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है। मैंने कोई रीज़न अगर कुछ गलती से फिल कर देते हैं तो आप सोचिए, आप खुद बताइए कि उस वक्त में मतलब कितने सारे लोग लाइन में खड़े रहते हैं रेलवे काउंटर पर, और उसी वक्त अगर वो रिजेक्ट कर देते तो हमको फिर से फॉर्म लेकर फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें भी मेरे को टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। सो इसीलिए आप मतलब जो मैं इस प्रोसेस को बताने वाला हूँ, इस प्रोसेस को लास्ट तक आप देखें ताकि आप समझ सकें, और आप अगर आप एक बार समझ जाते तो आपको फिर लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा फॉर्म फिलअप करने में, चाहे टिकट का बुकिंग हो या चाहे टिकट कैंसिल का हो। ठीक है, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अगला वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रेलवे का रिजर्वेशन और कैंसिलेशन फॉर्म है। इसी फॉर्म से आप रेलवे का रिजर्वेशन भी मतलब कर सकते हैं, और इसी से आप टिकट कैंसिल भी करवा सकते हैं। ये फॉर्म आपको आसानी से कोई भी रेलवे काउंटर पर मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर कॉर्नर में मैं कैंसिल लिखा हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर अगर आप टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं तो सबसे ऊपर में आपको कैंसिल लिखना होगा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि रिजर्वेशन कम कैंसिलेशन रिक्वेशन फॉर्म लिखा हुआ है, तो आपको कैंसिल करना है तो आपको कैंसिलेशन पर आपको मतलब टिक आउट कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे में जो बॉक्स देख पा रहे हैं, ये जो बहुत सारा बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स का भी बहुत सारा प्रोसेस, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अगर आप वेटिंग टिकट बुकिंग करते हैं तो इस बॉक्स का बहुत खास करके जरूरत पड़ता है। अगर आप लोगों को इस बॉक्स के बारे में जानना है एकदम स्टेप बाय स्टेप, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि इस बॉक्स के द्वारा अगर आप वेटिंग टिकट बुकिंग करवाते हैं, मतलब यूज़ करके टिक आउट करके, तो आपको वेटिंग टिकट में बहुत सारा लाभ मिलता है। अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो आप हमें कॉमेंट करें, इस टॉपिक पर भी मैं एक बार ज़रूर वीडियो बना दूंगा। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपको टिकट कैंसिल करवाना है, तो सबसे पहले आप जो टिकट लिए हैं उस टिकट में आप देखिएगा ट्रेन नंबर लिखा हुआ। ठीक है, तो उस ट्रेन नंबर को आपको इसमें लिख देना है। तो जैसे कि मैं एक टिकट कैंसिल करवाना चाहता हूँ, उसमें ट्रेन नंबर लिखा हुआ था 22911, उसकी गाड़ी का नाम था शिप्रा एक्सप्रेस। जैसे कि इसमें लिखा हुआ ट्रेन नंबर और नेम क्या है, तो मैं ट्रेन नंबर और नेम दे चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ जर्नी, जितना तारीख आपका ट्रेन का बुकिंग है वो आप इसमें दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे चुका हूँ। इसके बाद क्लास कौन सा जो आप टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं, अगर थर्ड एसी होगा तो थर्ड एसी, या स्लीपर होगा तो स्लीपर दे दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप कितने लोगों का टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारा ऐसा होता क्या है कि एक ही फॉरम में मतलब एक ही फॉरम में चार या पाँच या छः टिकट होता है, जिसमें दो लोगों का टिकट कैंसिल होता है या सभी लोगों का टिकट होता है। तो आप जितने लोगों का टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं वहाँ पर आप लिख दीजिए, जैसे मैं तीन लोगों का टिकट कैंसिल करवाना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका किस स्टेशन से किस स्टेशन तक का बुकिंग है, तो आप जैसे कि मेरा देख पा रहे हैं कि इंदौर जंक्शन से हावड़ा जंक्शन तक का बुकिंग है, जिसका मैं टिकट कैंसिल करवाना चाहता हूँ। आपका भी अगर जिस स्टेशन से जिस स्टेशन तक बुकिंग होगा वो कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अब नीचे में आप देख रहे हैं कि यात्रा आरंभ करने का स्टेशन, मतलब बोर्डिंग एट, आपका कौन सा मतलब बोर्डिंग सब किस स्टेशन से आप उठिएगा, तो उसका कोड मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, इंदौर जंक्शन का INDB कोड लिख दिया हूँ। इसके बाद में आप देख रहे हैं रिजर्वेशन अप टू, मतलब कहाँ तक आप जा रहे हैं, सेम मतलब वही होगा, जैसे कि हावड़ा है तो मैं उसका कोड लिख दिया हूँ HWH। इसके बाद आपको जो आप रिजर्वेशन करवाते वक्त जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंट्री करना होगा, जैसे कि मैं मोबाइल नंबर भी फिल कर चुका हूँ। इसके बाद नीचे चलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस बॉक्स में आपको अपना नाम इंटर करना पड़ता है, जो आप रिजर्वेशन कराते वक्त जिस टिकट में आपका जो भी नाम होगा वो आपको इसमें फिल करना होगा। और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कैपिटल लेटर में ही आपको इस फॉर्म को भरना है। आप अपना नाम जो भरिएगा वो कैपिटल लेटर में भरिएगा। जैसे कि मैं तीन लोगों का टिकट कैंसिल करवा रहा हूँ तो तीनों लोगों का मैं नाम दे दिया हूँ। ऐसे ही अगर आप तीनों लोगों, चारों लोग या दो लोग, जिसका भी कैंसिल करना चाहते हैं, उन लोगों का कैपिटल लेटर में उन लोगों का नाम, जेंडर, मेल फीमेल जो भी होगा वो आप मतलब अच्छा से फिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं फिल कर चुका हूँ। इसके बाद आपको नीचे फिर चलना है, नीचे वाला स्टेप बता रहा हूँ। जैसे कि देख पा रहे हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चों का तो टिकट लगता नहीं है, तो ये जो मतलब ऑप्शन जो दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, ये आपको कोई काम करनी है। ठीक है, तो ये इसको मतलब नज़रअंदाज कर देना। इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें आगे की वापसी यात्रा का विवरण, माने ऑनवर्ड रिटर्न जर्नी डिटेल्स, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप अगर मान कर चलिए एक ही रूट में, जैसे कि मतलब आपका जाने वाला और आने वाला का बुकिंग हुआ, आप दोनों एक साथ टिकट कैंसिल करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दो फॉर्म फिलअप करते हैं, एक जाने का अलग फॉर्म फिलअप करते हैं और आने का अलग फॉर्म फिलअप करते हैं। आप एक ही फॉर्म से, वो चाहे दूसरे दो ट्रेन का क्यों ना हो,
आप एक ही फॉर्म से सारा का सारा टिकट कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको दो फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्म से आप दो टिकट कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें दिया हुआ ट्रेन नंबर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ट्रेन नंबर दिया, डेट ऑफ जर्नी दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है, सेम एकदम जैसे ऊपर में आप फिल किए हैं एकदम डिटो नीचे में आपको फिल कर देना है। ठीक है, एकदम ईजिली है, इसमें कोई बहुत लेना देना नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे लोग गलती करते हैं जो अप और डाउन का अलग अलग फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन आप एक ही फॉर्म से अप और डाउन दोनों टिकट कैंसिल करवा सकते हैं इसी फॉर्म्स के द्वारा। इसके बाद में जो भी बंदा मतलब काउंटर पर गया है टिकट कैंसिल करवाने के लिए, तो वो अपना नाम फिल करेगा, जैसे कि मैं अपना नाम फिल किया हूँ। ठीक है, इसके बाद अपना फुल एड्रेस दे देना है पिन कोड के साथ में। इसके बाद आपका जो यात्रा की तारीख है, जैसे नीचे में आप देख पा रहे हैं कि यात्रा की तारीख मैं फिल कर दिया हूँ, जिस डेट में हमको सफ़र करना था, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, टिकट कैंसिल करवा रहा हूँ। इसके बाद में आपको मोस्ट अपना सिग्नेचर जरूर दीजिएगा, सिग्नेचर अगर आप नहीं करते तो फिर भी आपको फॉर्म रिजेक्ट कर देता, बोलता है आपको साइन करके दीजिए। तो फिलहाल का इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है साइन करने में, ये बहुत सारे लोग इसमें कर देते हैं जिनको पता नहीं होता है। और रेलवे का फॉर्म भी कितने तरह का होते हैं, मतलब हर स्टेट में अलग अलग तरह का फॉर्म मिलता है, किसी का सिग्नेचर साइड में दे देता है, किसी का मतलब जो भी, मतलब देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, तो फॉर्म बहुत तरह का होते हैं। इसके बाद आधार नंबर भी देख पा रहे हैं, ऑप्शनल दिया हुआ आधार नंबर आपको देना दीजिए, नहीं तो आधार नंबर उतना खास नहीं है, मतलब कैंसिल करवाते वक्त आधार नंबर कोई खास नहीं है। ठीक है, तो फॉर्म भरना बहुत ही आसान था, जैसे कि आप देख लिए इस प्रोसेस में बहुत ईजी होता है, लेकिन क्या बताएं आप लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फॉर्म फिलअप नहीं करने आता, अगर आता भी है तो फॉर्म में कुछ ना कुछ जरूर गलती कर देते, जिनके कारण वो काउंटर से बाहर निकल जाते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं एक टिकट कैंसिल करवाने में, जो कि बहुत ईजी प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्म पर आप लोगों को पीएनआर नंबर देने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फॉर्म पर पीएनआर नंबर अलग से बैठा देते हैं, तो आपको बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास में जो कन्फर्म टिकट या वेटिंग टिकट जो है रेलवे का, वो इस फॉर्म के साथ ऐसे फॉर्म भर के आप उस टिकट को अपने टिकट कलर को दीजिएगा जो बुकिंग और कैंसिल करता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा यह जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा, हमारा यह प्रोसेस काफ़ी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो तक पहुंच सके।